हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा कि भीष्म देव जो है, भीष्म पितामह जो है, वो क्यों पांडव का और भगवान श्री कृष्ण का खिलाफ में क्यों है। तो हम देखेंगे भीष्म देव कौन है। वो एक्चुअली पांडव और कौरव का पितामह है, ग्रैंडफादर है। वो गंगे देवी और शंतनु महाराज का संतान है, पुत्र है, और उन्होंने एक ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, तो इसलिए वो राजा नहीं बने। और उसका भाई जो है विचित्र वीर्य, वो राजा बनने वाले थे, लेकिन उसका जल्दी से देहांत हुआ था, तो इसके कारण पांडु जो है वो राजा बन गया। और भीष्म देव जो है अच्छे तरह से ट्रेनिंग देते हैं पांडव को, कौरव को, और लेकिन ज़्यादातर वो पांडव के ऊपर आसक्ति है क्योंकि वो लोग धार्मिक हैं, और जो कौरव हैं, जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, वो अधार्मिक हैं। लेकिन फिर भी जब ये महाभारत का युद्ध हुए तो भीष्म जो है वो कौरव का पक्ष में लिया था। और इसी तरह से हम देखेंगे कि क्यों उन्होंने भगवान के खिलाफ में गए। फिलहाल हम अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे लिखा था कि भीष्म देव जो है वो 12 महाजन से एक महाजन है। महाजन क्या है? जो लोग भगवान के बारे में पूर्ण तरह से जानते हैं और भगवान के लिए प्रेम है, उनके हृदय में प्रेम पूर्वक है। सो ऐसे महान व्यक्ति को क्यों भगवान और भक्त के खिलाफ में गए? तो हम देखें 3 मुख्य कारण है। पहले कारण जो है, भीष्म पितामह जो है उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया कि कोई भी राजा जो हस्तिनापुर के राजा सिंहासन बैठे हैं, तो भीष्म पितामह ने ऐसा प्रतिज्ञा लिया कि उनके साइड में हमेशा लॉयल रहना चाहेंगे, है ना। चाहे कोई भी हो, धृतराष्ट्र या पांडु, कोई भी है, लेकिन अगर वो राजा सिंहासन में बैठे तो लॉयल्टी जो है भीष्म देव का, वो हमेशा राजा की तरफ है। तो इस तरह से उनको, उनका प्रतिज्ञा के कारण, उनका वाव के कारण, व्रत के कारण, वो हस्तिनापुर के राजा उस टाइम में दुर्योधन या धृतराष्ट्र हैं, तो उनके साइड में युद्ध करना चाहिए। दूसरा रीज़न हम देखेंगे कि भगवान ऐसा सिद्ध करना चाहे, प्रूफ करना चाहे कि चाहे कोई भी हो, बड़े महान व्यक्ति कोई भी हो, अब इतना बड़ा सी विशाल पावरफुल आदमी भीष्म देव जैसे हैं, लेकिन अगर आप भगवान और भक्त के खिलाफ में रहेंगे तो कभी भी आपका जीत या आपका सक्सेस कभी नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद, 4वां अध्याय, 46 श्लोक में ऐसे सुंदर श्लोक आते हैं। आयुर्श्रियं यशोधर्मं लोकान् आशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमा। जो महत् अतिक्रमा, जो महान व्यक्ति को मर्यादा व्यतिक्रम को क्रॉस करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनके पास क्या होते हैं? कुछ कुछ चीज़ जो है क्षीण हो जाते, आयु क्षीण हो जाते, श्रेय क्षीण हो जाते, यश क्षीण हो जाते, धर्म क्षीण हो जाते, और लोक आशीष मतलब मरने के बाद उसका और आशीष मतलब आशीर्वाद नहीं मिलते हैं। तो जब भी भीष्म पितामह जो है उसका लास्ट मोमेंट्स है, वक्त है जिसको शरीर छोड़ने का, जब भी उसका ऐसा लेटे हुए सब बाण तीर सब उसका शरीर पे घुस घुस के, तो पांडव लोग आए थे उसको देखने का, और बहुत बुरा लगता है कि हमारा जो पितामह जो है वो ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम में महाभारत में भीष्म देव ने कहने लगे कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, क्यों? मैं दुर्योधन का नमक खा रहा है ना, क्योंकि उनका मेंटेनेंस जो है, उनको जितना भी पालन पोषण है, उस टाइम में वो हस्तिनापुर राजा से आते थे। तो मतलब ऐसे पापी व्यक्ति का नमक खा खा के वो क्या बोल रहे हैं कि मैं भी पापी हूँ, तो ये पाप होने के कारण मुझे उसका पूरा भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा मुझे। तो ये जो संघर्ष, ये जो संकट, ये जो सफरिंग है, ये जो पीड़ित अवस्था है, मुझे भोगना ही पड़ेगा, ऐसा उन्हें कहना है। अभी हम देखें तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण बहुत सुंदर कारण है, ये आचार्य लोग ने बताया कि भीष्म देव जो है महान है, भीष्म देव जो शुद्ध भक्त है भगवान की, और भीष्म देव का ऐसा एक आशा था कि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण किसके रूप में देखना चाहते हैं, कि भगवान जो है युद्ध के रूप में है, पार्थ सारथी का युद्ध का रूप में। तो भीष्म देव जो है और भगवान श्री कृष्ण जो है, उनका जो रस जो है, ये वीर्य रस कहते हैं, है
है ना, शिवल रस मतलब युद्ध करने का, क्षत्रिय का रस जैसा है। तो भीष्म देव का ऐसा पसंद करते कि भगवान को ऐसा रूप देखना चाहते हैं जिसमें पसीना निकालते हैं, कुछ खून का बूंद भी निकालते हैं उसका बाल में है, जो सारे धूल से भरे हुए और एकदम अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करने लगे, अटैक करने आक्रमण के मूड में हैं। तो वो फॉर्म जो है, वो रूप है देखने का, तो भीष्मदेव बहुत प्रसन्न आते हैं। तो हम अगर श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद में पढ़ेंगे, जिसमें भीष्मदेव का प्रार्थना है, स्तुति है, भीष्म स्तुति, बहुत सुंदर तरीका से बता रहे कि वो फॉर्म जो है, वो रूप जो है, वो देखना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उसके जो शुद्ध भक्त का इच्छा है वो आदान प्रदान करते ही हैं। तो अगर ऐसे रूप देखने का, तो अगर एक ही पक्ष में आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे पक्ष है, जो विरोध है, जो फाइटिंग करते हैं आपस में, हाँ, जो सामने सामने आते आक्रमण करने का, वाह, वो सबसे इंटेंस फॉर्म है ना। सो ये मुख्य तीन कारण है। तो भीष्म देव का चिंतित नहीं था, वो नहीं सोच रहे कि मैं जीऊँगा मरूँगा, मैं हारूँगा या जीतेगा, वो सब चीज़ नहीं सोचते। वो क्या सोचते कि बस मुझे भगवान से कृष्ण का सेवा करने का, प्रसन्न करने का। हरे कृष्ण।